हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप। और कल वीडियो के अंदर जो कमेंट्स आए थे वो थे MIUI 13 के लेटेस्ट पोर्ट रोम के बारे में। एंड काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे, सो मोस्ट ऑफ द कमेंट्स आर फ्रॉम MIUI 13 बेस्ड रोम के लिए। तो यहाँ पर जो है MIUI 13 को मैंने इंस्टॉल किया है, जो कि एंड्रॉयड 11 के ऊपर बेस्ड है और रेडमी नोट 11 डिवाइस से इसको आई थिंक पोर्ट किया है। बट इस रोम के अंदर ना थोड़ी डिफरेंट सी ऑप्टिमाइजेशन मिलती है। मैं बोलना चाहूँगा जो कल मैंने रोम आपको रिव्यू करके दी थी उससे थोड़ी सी बेटर आपको मिलती है। सभी चीज़ों के बारे में इन डिटेल बात करेंगे, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। सो इसको पोर्ट किया है रेडमी नोट 11 डिवाइस से एंड यहाँ पर ग्लोबल स्टेबल रोम आपको मिल जाती है। MIUI ग्लोबल 13.0.4 स्टेबल वर्जन के ऊपर बेस्ड है। ऑल स्पेक्स के अंदर चलेंगे, यहाँ पर आपका जो ऑक्टा कोर यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड आपको मिलती है ना, क्लॉक स्पीड, वो थोड़ी सी लोअर आप बोल सकते हो। एंड मेमोरी एक्सटेंशन वर्किंग है, एंड्रॉयड 11 है और जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट है वो आपको मिलता है जनवरी 2022 से अपडेटेड, जो कि थोड़ा ओल्ड हो चुका है। एंड जो कर्नल यहाँ पर यूज किया वो है Azure Guns Blazing Plus, तो ये कर्नल आपको बाय डिफॉल्ट रोम के अंदर मिलता है। अब रोम के अंदर जो चेंजेस है वो मैं चेक करवाता हूं। ये एक स्टेबल ग्लोबल रोम है ना, तो यहां पर आपको जो है कोई भी मी का डायलर, मी मैसेजिंग ऐप नहीं मिलेगा, तो इसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और उसके साथ कोई वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन का सेक्शन नहीं मिलता। एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मैंने ट्राई किया था, वर्किंग है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको यूज करो। एंड उसके बाद डिस्प्ले है, डिस्प्ले के अंदर रिफ्रेश रेट अप टू 90 हर्ट्ज तक आप जा सकते हो, बट ये यूजलेस है हमारे लिए। एंड जो रीडिंग मोड है वो आपका डेड है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। पेपर वाला थोड़ा सा इफेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बट ये वाला जो है ना क्लासिक, वो आपका ज्यादा यहाँ पर वर्क नहीं करता। पेपर वाला जो मोड है वो तो फिलहाल के लिए वर्किंग है। एंड अगर हम बात करते हैं नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर की, तो वही सब टिपिकल से चेंजेस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एंड जो कल वाली वीडियो है ना उसके अंदर मैंने आपको होम स्क्रीन के अंदर जो सेटिंग दिखाए थे, सबके सब फीचर्स आपको इस रोम के अंदर यहां पर मिल जाएंगे। इसके स्टॉक लॉन्चर के अंदर एनिमेशन स्पीड है, सिंपल एनिमेशन है, रीसेंस का जो कॉर्नर रेडियस है उसको आप कम ज्यादा कर सकते हो, ब्लर वगैरह आपको ऑप्शन मिलता है, आइकन के शेडोज हैं, रिमूव अनलॉक आइकॉन एनिमेशन है, इनफाइनाइट स्क्रोल वगैरह है, MIUI विजेट स्टोर इनेबल कर सकते हो और गो बैक टू प्रीवियस ऐप एंड रेंज आइटम्स इन रीसेंट्स वाला ऑप्शन आपको मिलता है। तो सबके सब जो फीचर्स हैं वो कल वाले ही आपको मिलते हैं। यहाँ पर वॉलपेपर आप के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे अपने इंडियन MIUI के थीम स्टोर के अंदर। सो यहाँ पर आपको जो है इंडियन या फिर आप बोल सकते हो ग्लोबल वाला थीम स्टोर मिलता है, जो कि आप काफी अच्छे से यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। बैटरी के अंदर वही सब तीनों प्रोफाइल्स आपको मिलेंगी एंड इधर भी आपको सेम चीजें मिलती हैं। और एडिशनल सेटिंग के अंदर आएंगे, यहाँ पर आपको मेमोरी एक्सटेंशन मिल जाता है जो कि आप चेक कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 1 GB का है, बट इसको अभी चेक करने का कोई आपको मेथड नहीं मिलता कि अच्छे से ये वर्किंग है या फिर नहीं, बट हम थोड़े ऐप्स को ओपन या फिर क्लोज करने की कोशिश करेंगे। नाउ अब जो रोम का UI एक्सपीरियंस है, जो स्मूथनेस है इस लॉन्चर की, सेम लॉन्चर है बट स्मूथनेस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन, एनिमेशंस आपको मिल जाएंगे दोनों साइड से जो कि आप चेक कर सकते हो, कोई लैग स्टटरिंग नहीं आने वाला। इसको मैं बोलना चाहूंगा काफी सुपर स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलता है। डेफिनेटली उतना स्मूथ नहीं मिलता जितने AOSP रोम्स होते हैं, बट काफी ज्यादा स्मूथ है। जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ना वो काफी अच्छा है। इवन यहाँ पर आइकन के जो शेडोज है ना वो भी आपको मिल जाते हैं। समटाइम्स आपको जो है एनिमेशन नहीं शो होता, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपको मिलेगी। बट हाँ, एक आप बोल सकते हो काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, एनिमेशन एटलीस्ट आपके लिए प्रेजेंट है और वो भी काफी स्मूथ आपको मिलते हैं। बट इसके अंदर ना रैम मैनेजमेंट थोड़ा सा बेटर है कल वाली रोम से, जो कि आप क्लियरली चेक कर सकते हो। रैम मैनेजमेंट थोड़ा सा मैं बेटर बोलना चाहूंगा। एंड जो स्टॉक कैमरा है इसके अंदर पोर्ट्रेट मोड आपका वर्क नहीं करता, सो ये एक आपको बग देखने को मिलेगा। इवन अगर आप वीडियो के अंदर आओगे ना, वीडियो मोड वगैरह आपका वर्किंग है, 4K 30 FPS वीडियो वगैरह आपको मिल जाती है, सो इसको चेक करते हैं। समटाइम्स आपको क्रैशिंग का इशू आ सकता है जब आप पोर्ट्रेट मोड के ऊपर स्विच करोगे, एंड मोड्स स्विच करने में थोड़ी सी आपको यहां पर जो है डिले हो सकता है, जो कि आप क्लियरली नोटिस करोगे। एंड अगर आप मोर के अंदर आओगे तो 48 MP आई थिंक आपका इस रोम के अंदर वर्किंग है, और आई थिंक आप यहां पर जो 48 MP शॉट्स ले सकते हो। सो चेक कर लेते हैं, यहां पर आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। सो इसको थोड़ा जूम इन करके देखते हैं तो आपका 48 MP काफी अच्छे से वर्किंग है। एंड उसके बाद में लास्ट में एक मोड हमें चेक करना है स्लो मोशन का।
तो स्लो मोशन भी आपका मैक्सिमम जो आपको यहाँ पर जो रेजोल्यूशन मिलता है ना 720p या 1080p 120 fps के ऊपर, वो भी आई थिंक आपका वर्किंग है। सो सभी मोड्स इस कैमरे के अंदर वर्किंग है एक्सेप्ट पोर्ट्रेट मोड, तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। और GK मेट पेन 4 के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कन्फिग फाइल्स के साथ में, तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो यहाँ से जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ऑलमोस्ट सभी जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर भी वर्किंग है, तो GK मेट पेन 4 भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो साथ में ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। नाउ इस रोम के अंदर जो आपका डिवाइस है ना बाय डिफॉल्ट उसको चेक कर लेते हैं, तो आपका जो डिवाइस है वो सर्टिफाइड है, दैट मींस जो सेफ्टी नेट है विदाउट रूट आपका पास रहने वाला है। उसके बाद वाइड बैंड L1 आपको मिल जाता है एंड F2FS के अंदर मैंने इसको फ्लैश कर रखा है, तो F2FS से आपका यहाँ पर सपोर्टेड है। जो यहाँ पर Geekbench 5 के स्कोर्स है ना वो कुछ ये आपको मिल जाते हैं। अगर आप मल्टी कोर स्कोर के लिए यहाँ पर थोड़े से परेशान हो तो यहाँ पर ना मैंने थोड़ी सी छेड़खानी की थी, क्योंकि यहाँ पर आपको Xiaomi पार्ट्स मिलता है, तो मैं वो ट्राई कर रहा था जो मैक्सिमम आपको CPU बूस्ट वगैरह वो मैं ट्राई कर रहा था, तो उसके बाद में ये वाला स्कोर्स मेरे को मिला है। प्योर स्टॉक के ऊपर मैंने इसको टेस्ट नहीं किया एंड यहाँ पर एडिशनली मैंने जो है गेम टर्बो के अंदर इसको ऐड किया था, बट इसके अंदर कोई परफॉर्मेंस मोड वगैरह आपको नहीं मिलता। सो या यहां पर जो चीजें हैं ना वो कुछ बिगड़ गई थी, बट आप ट्राई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, आप अपने बेंचमार्क्स मेरे को शेयर कर देना कमेंट्स के अंदर। अगर आप यहां पर चेक करोगे जो 18 वॉट से चार्जिंग स्पीड है वो काफी एक्सीलेंट है एंड चार्जिंग के टाइम में कोई रोम के अंदर ओवर हीटिंग इश्यूज आपको नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास मैंने नोटिस किया, जो कि ओवर हीट मैं नहीं बोलना चाहूंगा इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली। एंड अगर हम बात करते हैं CPU थ्रॉटलिंग की, तो यहाँ पर आपका जो CPU है ना वो 93% तक थ्रॉटल होता है और 76,000 के आसपास आपको जो है यहाँ पर मैक्सिमम GIPS मिलेंगे और एवरेज है 73,000 के आसपास, जो कि आप चेक कर सकते हो। एंड बैटरी कंजप्शन की बात करें, सो यहाँ पर अगर मैंने नॉर्मल इसको यूज़ किया तो मेरे को जो एक्टिव ड्रेन मिला वो 8% पर आर के आसपास है एंड जो आइडल ड्रेन है वो थोड़ा सा मैं ज़्यादा बोलना चाहूँगा, बट डिवाइस बीच बीच में आप बोलोगे तो वाईफाई के साथ में कनेक्टेड था काफ़ी टाइम तक, तो ये कुछ सीन है यहाँ पर। बाकी हाँ जो बैटरी कंजप्शन है नॉर्मल यूसेज के ऊपर वो काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। कंट्रोल सेंटर ना यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्लर डिफरेंट टाइप मिलता है जैसा MIUI चाइना रोम के अंदर होता है और कुछ ऐसा सा सीन है, तो यहाँ पर कोई लैग स्टटरिंग आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। अब Xiaomi पार्ट्स के ऊपर आएंगे, तो Xiaomi पार्ट्स को एक्सेस करने के लिए जस्ट इस एडिट वाले आइकॉन के ऊपर टैप करना है एंड जस्ट यहाँ पर आपको एक टॉगल मिल जाएगा। वैसे तो काफी सारे टॉगल्स हैं जिसके अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा MIUI 12 और इसको आप ऐड कर लेना। यहाँ पे आपको मी का लोगो देखने को मिलेगा, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक कर देना, बाकी आप यहाँ पर पार्ट्स को ऐड कर सकते हो। ये आपको मिल जाएंगे एक्सट्रीम पार्ट्स, तो यहाँ पर आप चेक करोगे वाइट टॉर्च ब्राइटनेस है, येलो टॉर्च ब्राइटनेस, वाइब्रेशन इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ वगैरह आप इंक्रीज कर सकते हो, देन डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन है, उसके बाद FPS मीटर यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा, सो चेक कर सकते हो FPS मीटर वर्किंग आपको नहीं मिलता। स्पेक्ट्रम प्रोफाइल्स मिल जाते हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हो, एम्बिएंट डिस्प्ले जेस्चर्स आपको मिलेंगे, इनेबल टच बूस्ट है, CPU बूस्ट है, GPU बूस्ट आपको मिलेगा, MSM थर्मल है, कोर लिमिट वगैरह आपको मिल जाती है और डायरेक्ट साउंड एनहांसर आपका यहां से वर्किंग है, बट अगर आप साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर जाके चेक करोगे तो वहां पर आपका जो साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर मी साउंड एनहांसर है ना वो वर्क नहीं करेगा, वो क्रैश करेगा। सो यहां पे आप जो है इसको चूज कर सकते हो। देन हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन, ईयरपीस गेन और स्पीकर गेन आपको मिलता है। तो ये Xiaomi पार्ट्स आपको एडिशनली इस रोम के अंदर मिलते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम एक MIUI रोम के अंदर ट्राई किए हैं। सो गेमिंग का क्या हाल है, इसको कंपेयर करते हैं कल वाले पोर्ट के साथ में, तो यहां पर ना जो ऑप्टिमाइजेशन है वो थोड़ी सी मैं बोलना चाहूंगा बेटर है। अभी मैंने जो GPU है और जो CPU बूस्ट वगैरह ना जो मैंने आपको अभी रिसेंटली चेक करवाए सबको इनेबल कर रखा है एंड जो गेमिंग परफॉर्मेंस है ना वो आप कैजुअल में अच्छे लेवल की मान सकते हो। सो फ्रेम ड्रॉप्स आपको वैसे मिलेंगे, बट हाँ अगर आप यहां पर जो है कैजुअल लेवल की गेमिंग करना चाहते हो तो वो एक आपको अच्छा एक्सपीरियंस देने वाली है और 90 FPS बाय डिफॉल्ट आपको नहीं मिलता, तो आपको यहां पर मैजिस्क मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेना एंड उसके साथ में यहां पर जो है वॉइस चेंजर आपका वर्किंग है इस रोम के अंदर, मैंने ट्राई किया था, सो वॉइस चेंजर भी वर्किंग है और एक आप अच्छे लेवल की गेमिंग कर सकते हो, बट हार्डकोर गेमिंग के लिए ये जो रोम है मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ओवरऑल ये जो रोम है ना ये काफी अच्छी है, रोम के अंदर नॉर्मल यूसेज के ऊपर कोई भी मेरे को मेजर हीटिंग इश्यूज वगैरह नहीं मिले। सो कल वाली पोर्ट से ये वाली पोर्ट रोम थोड़ी बेटर बोल सकते हो आप। सो अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी रोम के ऊपर चाहिए आप कमेंट्स में जरूर से बताने की कोशिश करना और सब्सक्राइब कर सकते हो तो वेरी मच थैंक्स एंड डेफिनेटली लाइक भी कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।